राजा किसी शतरंज के बिसात का प्यादा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आप जनते नहीं हैं, ये जो है ना बहुत सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले थे। हमरे जीजा जी ने इनकी वर्दी उतरवाए थे और टाइगर का खून भी हमरे जीजा जी ने करवाया था और तुमरे हाथों अन्ना और कालिया को मरवाया था। अब प्रताप को मरवाना चाहते हैं और मौका मिलते ही आपको भी मरवा देंगे, समझे? सुना, असली गुनहगार कौन है राजा? उस हरामजादे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमरे जीजा जी ने पूरे परिवार को तुमरे उठवा लिया है। क्या? हाँ, इसके पहले कि हमरे जीजा जी कोई नई चाल चले, चलो उनको अपने काबू में कर लेते हैं। चलो चलो, रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। करूंगा, लेकिन एक और गुनाह करने के बाद मैं तुम्हें यह हरगिज़ नहीं करने दूंगा। सिद्धांत, राजा को जाने दे। नहीं सर, ये कानून का मुजरिम है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ये मुजरिम नहीं है सिद्धांत, असली मुजरिम वो धर्म अधिकारी है। सर, कानून उसे सजा देगा। नहीं सिद्धांत, नहीं। एक मिनट होल्ड सिद्धांत, जिस कानून की तू बात कर रहा है उसी कानून का मैं भी आदमी था। मैं कानून की इज्जत करता हूं सिद्धांत, यू नो दैट। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद यह अपने आप को कानून के हवाले कर दे। आई स्वेयर सिद्धांत, इस देश के अंदर आज तक किसी भी मंत्री को उम्र कैद की सजा हुई, उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया? नहीं ना। अगर गोली मारनी है तो धर्म अधिकारी जैसे लोगों को जाके मार, उसके बाद राजा भाग यहां से। नहीं राजा, अगर तूने भागने की कोशिश की ना मैं तुझे गोली मारूंगा। राजा भाग, राजा भाग, राजा भाग। नहीं सर, भाग। सिद्धांत जाने दो उसे। सर ये आपने अच्छा नहीं किया, इतने खतरनाक मुजरिम को आपने भागने दिया।